हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश किस्को और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुटबॉल ऋषिका। तो चलिए फ्रेंड्स, फुटबॉल ऋषिका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए 2023 के ये अंतिम सीजन के एक बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो चलिए आसान की अगर हम बात करें डीकेएमसी नारायणबेड़ा, तो चलिए डीकेएमसी नारायणबेड़ा जो कि सरायकेला खरसावां क्षेत्र का एक, खरसावां से 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो चलिए ये हुड़ंगदा के समीप ये जगह है, ये गांव है। तो चलिए टाइसिट पूरी तरह से यहां पर बन चुका है, 32 टीमों के यहां पर डिमांड था, 32 टीम पूरी तरह से यहां पर फुल हो चुका है। तो चलिए ग्रुप ए की अगर हम बात करें, पूरी तरह से यहां पर टाइसिट में अंकित है। ये मैच 14 एवं 15 अप्रैल 2023 को मैच खेला जाएगा। तो चलिए पहला मैच की अगर हम बात करें उस दिन का, तो चलिए नारायणबेड़ा एफसी बनाम आरआरबी सोडिंग के बीच एक बेहतरीन मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 1 के तौर पर। मैच नंबर 2 की अगर हम बात करें, जगुआर 11 बनाम सालोन एफसी के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 2। मैच नंबर 3 की अगर हम बात करें, मैच नंबर 3 जुरगुड़ी एफसी सरायकेला बनाम किलर बॉयज बुरुड़ी के बीच एक बेहतरीन मैच खेला जाएगा। मैच नंबर 4 की अगर हम बात करें, सूरज ब्रदर्स बनाम आसमान एफसी के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच, मैच नंबर 4 के तौर पर। मैच नंबर 5 की अगर हम बात करें, घोड़ा एफसी राजनगर बनाम आयुष ब्रदर्स के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच, मैच नंबर 5। मैच नंबर 6 की अगर हम बात करें उस दिन का, ग्रुप ए का, आकाश एसवाडिंग मुन्ना भाई बनाम नेपाल एफसी के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 6। मैच नंबर 7 की अगर हम बात करें, राजनगर एफसी बनाम एनबीसी बालेडी के बीच एक बेहतरीन कांटे का मुकाबला खेला जाएगा, मैच नंबर 7। मैच नंबर 8 की अगर हम बात करें उस दिन का, सेवन हिल उड़ीसा बनाम ब्रदर्स एफसी जमशेदपुर के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच। तो चलिए ये मैच खेला जाएगा ग्रुप ए का 14 अप्रैल 2023, यानी कि पहला दिन का ये मैच ग्रुप ए का है। तो चलिए फाइनल यहाँ पर ग्रुप बी का भी यहाँ पर मैच फिक्चर आ चुका है, 15/4/2023 यानी कि 15 अप्रैल 2023 ग्रुप बी का मैच खेला जाएगा। पहला मैच के लिए खेलेंगे अमन स्पोर्टिंग बनारोल बनाम अरमान एफसी आसवा के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच, मैच नंबर 1 के तौर पर। मैच नंबर 2 की अगर हम बात करें, मैच नंबर 2 खेला जाएगा अरुण स्पोर्टिंग बेल्टान बनाम नेपाल एफसी के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 2। मैच नंबर 3 की अगर हम बात करें, जीएसडी पुन डोंगरी बनाम बेड सोल्जर एफसी के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच, मैच कड़ा भी होगा, बड़ा भी होगा और धमाकेदार मैच होगा यहां पर। मैच नंबर 4 की अगर हम बात करें, आयुष ब्रदर्स बनाम सीडीओ एसॉर्टिंग डीओ के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 4। मैच नंबर 5 की अगर हम बात करें, लेथ बसियामा जी मेमोरियल बनाम अमान स्पॉटिंग के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 5। मैच नंबर 6 की अगर हम बात करें, बर्मा शस्त्र जामशेदपुर बनाम विवेक एफसी के बीच खेला जाएगा, मैच नंबर 5। मैच नंबर 6 की अगर हम बात करें, मैच नंबर 6 खेला जाएगा एलवेन स्टार पुखरिया बनाम कांड्रा स्पॉटिंग के बीच खेला जाएगा एक बेहतरीन मैच, मैच नंबर 7 उस दिन का। और उस दिन का मैच नंबर 8 यानी कि अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, वो है माहली ब्रदर्स बनाम बहादुर एफसी। क्या कमाल का मैच होगा। बहादुर एफसी की बात करें, गत वर्ष की विजेता टीम है। तो चलिए अपने नाम से यहाँ पर टीम बहादुर एफसी यहाँ पर अंकित है। तो चलिए क्या घमासान फुटबॉल में अगर प्राइज की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें 4 बंपर प्राइज यहाँ पर दिया जा रहा है। विनर टीम की अगर बात करें यानी कि विजेता टीम को यहाँ पर 40,000 नगद राशि के साथ एक बंपर कस्सी के साथ सम्मानित किया जाएगा प्रथम पुरस्कार। सेकेंड की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें आपको 30,000 की नगद राशि के साथ आपको एक बंपर खस्सी के साथ सम्मानित किया जाएगा रनर टीम को। थर्ड पुरस्कार की अगर हम बात करें, 20,000 प्लस, इसमें भी बंपर खस्सी के साथ सम्मानित किया जाएगा। चौथा पुरस्कार, इसमें भी 15,000 प्लस बंपर खस्सी के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए क्या बंपर यहां पर प्राइज है, कमाल और धमाल का टूर्नामेंट का बेस्ट प्राइज है। तो चलिए जो भी दोस्त अगर आप इस वीडियो में नए हैं और देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए इसी के साथ मैं राजेश किस्को स्टूडियो फुटबॉल ऋषिका की ओर से धन्यवाद, जोहर।